आदिवासी विकास मंत्री मोहन मरकाम बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां बिलासपुर आगमन पर मोहन मरकाम का कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने बिलासपुर कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से मिलकर एक नई ऊर्जा देने की बात कही, जहां मरकाम ने कहा कि इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं स्वागत समारोह के बाद मोहन मरकाम बिलासपुर के मंथन हॉल में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। हमारे जाबाज साथियों से मिला और हमारे इलाके को त्रिलोक सिरवास का टिकट मिला था, एक तरफा चुनाव जीत रही बेलतरा विधानसभा से 20,000 वोट से विजय प्राप्त हुए। हर समाज के लोग त्रिलोक बिहार पसंद करते हैं, सूर्यवंशी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, महाराज समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, हर जात के, हर संगठन के लोग त्रिलोक बिहार पसंद करते हैं। इसे जुझारू नेता जगह सुख दुख में खड़ा होते त्रिलोक सिरवास, हर आदमी ला पसंद करते। त्रिलोक सिरवास का टिकट मिला था बेलतरा विधानसभा से, ऐतिहासिक जीत, 20 से 25,000 वोट से चुनाव जीतेगा। मोहन मरकाम जी विगत 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही ऊर्जावान, सहज, सरल, मिलनसार और जुझारू रहे हैं। पूरे प्रदेश के कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव है। अभी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और माननीय भूपेश बघेल जी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया है। कैबिनेट मंत्री बनने पश्चात वो प्रथम आगमन बिलासपुर आए थे। इस अवसर पर हमेशा की भांति बेलतरा और बिलासपुर के 500 ज्यादा हमारे सहयोगियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, आतिशी स्वागत किया है, क्योंकि वो अपने हैं और कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। उनके उत्साह, उनके आने से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह का संचार भी हुआ है।